वाला है। क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है? लेकिन एक और मोर्चा है जहां पर कामयाबी देखकर पाकिस्तान में खुशी वाला माहौल है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का नया चैप्टर लिख रहा है। तो अब लोगों ने बांग्लादेश को नेक्स्ट अफगानिस्तान बुलाना शुरू कर दिया है और कई लोगों ने बांग्लादेश को नेक्स्ट पाकिस्तान बुलाना शुरू कर दिया। क्या वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देंगे? और क्या कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान में शहबाज सरकार की कठपुतली हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब 50 सालों तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे। 1971 से पहले बांग्लादेश इसी पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के अत्याचार से तंग आकर बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। 53 साल पहले वो आजाद हुआ और अब ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने के लिए तैयार है। करीब 100 घंटे पहले हुई इस मुलाकात में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बनाने की स्क्रिप्ट लिखी गई है? और अब तो बांग्लादेश की सरकार में कट्टरपंथ के समर्थकों ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को भी बदलने की आवाज तेज कर दी है। आखिर बांग्लादेश का भविष्य है क्या? टैगोर के राष्ट्रगान से जिहादी क्यों परेशान हो गए हैं? बांग्लादेश का जन्म हुआ था, आज उसी मुल्क में कट्टरपंथी सोच हावी हो गई है। बांग्लादेश से हिंसा और नफरत के जो तस्वीरें आ रही उससे बांग्लादेश का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर सोच के साथ बांग्लादेश के हुक्मरान उसे चलाने लगे। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश का हश्र पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। उसके आगे उन्होंने शेख हसीना के ऊपर बहुत सीधी तौर पर वार किया और कहा कि जो शेख हसीना इंडिया में बैठ करके, जो इंडिया में शरण लेकर के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो उनको चुपचाप रहना चाहिए। बकायदे उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि दैट शी शुड रिमेन साइलेंट, क्योंकि जो उनका बोलना है वो ना ही भारत के लिए अच्छा है और ना ही बांग्लादेश के लिए अच्छा है। अब इस तरीके के शब्द उन्होंने क्यों इस्तेमाल किए हैं? बिकॉज शेख हसीना जी ने अभी रिसेंटली ही कई सारे बयान दिए और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बताई कि भाई इसमें जमात का इन्वॉल्वमेंट है, जमात को पाकिस्तान का सपोर्ट है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, यूएस अपना एक बेस चाहता है वहां पर, और ये सारी चीजें उन्होंने यहां पर इंडिया में बोली हैं। पाकिस्तान लाइफ के मुअज्जिज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। शेख हसीना खामोश ही रहे तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए बेहतरी होगी। नाज़रीन, ये कहना है बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का, जिन्होंने हसीना वाजिद की जानिब से कई बेबुनियाद इल्जाम, जिनमें उन्होंने जमात इस्लामी को अपना तख्ता उलटने का जिम्मेदार करार दिया और साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका पर साजिशों का इल्जाम लगाया, पर खामोश रहने की तलकीन की। यूनुस ने वाजह किया कि हसीना के ऐसे बयानात बांग्लादेश को मजीद तन्हा कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। भारतीय एंकर्स ने उनके खिलाफ जहर उगला और यूनुस को भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। भारतीय मीडिया ने हसीना वाजिद की हमायत करते हुए मोहम्मद यूनुस पर हमले किए और कहा कि यूनुस बांग्लादेश में भारत की मुखालिफत को हवा दे रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भी पर्दाचाक किया, जिसमें भारत बांग्लादेश को अगला अफगानिस्तान या अगला पाकिस्तान बनने के खदशात जाहिर कर रहा था। उन्होंने भारतीय मीडिया को साफ अल्फाज में कहा कि बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है और भारत को उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। यूनुस ने यह भी कहा कि बांग्लादेश एक मुस्तहकम मईशत और मजबूत सियासी निज़ाम के साथ खड़ा है और इसे किसी बैरूनी ताकत के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उनके इस बयान पर भारतीय मीडिया मजीद आग बगोला हो गया और वहां के एंकर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रद्द अमल देते हुए यूनुस को बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल को मजीद खराब करने का इल्जाम ठहराया। भारतीय मीडिया की इस जारहियत ने यह जाहिर किया कि वो बांग्लादेश में हर उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय पॉलिसियों पर तनकीद करती है, जबकि मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर बांग्लादेश की खुद मुख्तारी और दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ अपना मौकफ मजबूती से पेश किया। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहे। देखिए, बांग्लादेश की जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। बांग्लादेश अपनी आइडेंटिटी ऑफकोर्स नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा, एक देश बन गया, सॉवरेन नेशन है, परंतु हाँ वो अपने रिश्ते पाकिस्तान से बैलेंस करना चाहता है। बांग्लादेश खुद पर हुए पाकिस्तान के अत्याचारों को भूलने की तैयारी कर रहा है और इसके संकेत बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की ट्विटर टाइमलाइन पर भी दिख रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हर दिन ढाका में किसी न किसी विभाग के मंत्रियों और एडवाइजर्स से मिल रहे हैं, जबकि शेख हसीना के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं रहे। क्या इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ने के लिए तैयार है? ढाका में पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव आए हैं वो भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा बन रहा है। इस समय पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की सरकार भी हिंदू विरोधी है।
इस्लामाबाद की तरह ढाका में भी एंटी इंडिया माहौल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में सेना के समर्थन से सत्ता चल रही है। ये दोनों देश अब अमेरिका के इशारे पर अपना मुल्क चला रहे हैं और पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है। अगर बांग्लादेश को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को गौर से सुन ले। पाकिस्तान ने पहली बार मान लिया है कि पाकिस्तानी फौज करगिल जंग में शामिल थी। ये वो पाकिस्तान है जिसने करगिल जंग के बाद अपने सैनिकों की लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था। जो मुल्क अपने सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी आवाम के लिए क्या ही करेगा। और अब बांग्लादेश भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को कट्टरपंथी कैसे चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं इसकी एक विभत्स सुपान की 4 दिन पहले देखने को मिली, जब यहाँ के खुल्ला दक्षिण में डीसीपी ऑफिस के अंदर घुसकर 3,000 कट्टरपंथी लोगों की भीड़ ने तालिबानी स्टाइल में एक 15 साल के हिंदू युवक उत्सव मंडल को ईश निंदा के आरोप में बेरहमी से पीट पीट कर अधभरा कर दिया। बांग्लादेश में ऐसे कई मामले 5 अगस्त से लगातार सामने आ रहे हैं, जब वहाँ हिंदुओं पर हमले बढ़े और वो अपने ही पुरखों के जमीनों पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर डेमोक्रेसी प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स की हालिया 5वें पेज की रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब 1 महीने में ही हिंदुओं पर लक्षित हिंसा के 205 से अधिक मामले पता चले हैं। इनमें सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, संपत्तियों पर कब्जा और लूट, मंदिरों और घरों पर हमले और हिंदू बहुल गांवों के बहिष्कार के मामले शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा धर्म देखकर की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस का दावा है कि ऐसे हमले राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा है। और जब अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम किसी देश का मुखिया बचाओ में ऐसे बेतुके बयान दिए, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों के लिस्ट मांगे, उन्हें नौकरी से बेदखल करने की योजना बनाए, 50 से ज्यादा हिंदू शिक्षाविदों का इस्तीफा ले ले तो सोचिए वो किसे खुश कर रहा है। इसका सीधा जवाब है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए ढाका में लिस्ट और भी लंबी होती जा रही, क्योंकि एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक वाले गोला बारूद, 40 टन RDX और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल को ऑर्डर दिया है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से हथियारों का शिपमेंट 3 चरणों में मिलने वाला है। और खबर ये भी है कि बांग्लादेश ऐसा करके रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए पाकिस्तान के करीब और भारत से दूर जाने की कोशिश साथ साथ कर रहा है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के पसंद वाले ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं तो जानकार इसके जवाब में पाकिस्तान की फंडिंग पर पलने वाले कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी का नाम दे रहे हैं। वही जमात इस्लामी जिसने पाकिस्तान के इशारे पर अपनी ही अंतरिम सरकार को बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान तक को बदलने का मनमाना सुझाव दिया है।